हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस सीटेट के महाक्रांतिकारी बैच में। दोस्तों, हम लोग जो है बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे और बाल विकास के अंतर्गत पिछली क्लासेज में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि एक बालक का विकास जो है वो वंश क्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बालक जो है वो बालक के शरीर के जो निर्माण है, बालक जो है उस बालक के शरीर व लिंग के निर्माण में जो है वो वंश क्रम की क्या भूमिका है। तो एक बालक के शरीर व लिंग के निर्माण में वंश क्रम की क्या भूमिका होती है, इन सभी मुद्दा पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सभा। और आज का जो सभा है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मानव जो है, मानव के शरीर जो है उस शरीर का निर्माण कैसे होता है और लिंग का निर्माण कैसे होता है। कौन कौन से गुण सूत्र हैं जो मानव के शरीर के निर्माण के लिए जो है वो उत्तरदायी होता है और कौन से गुणसूत्र है जिसके कारण लिंग का निर्धारण जो है हो पाता है, अर्थात कोई बालक कब जन्म लेता है, कोई बालिका कब जन्म लेता है। चलिए, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं सखा कि आपको पता होगा, हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके थे कि माता और पिता दोनों के तरफ से जब दोनों का संयोग होता है तो एक मानव शरीर की जो उत्पत्ति होती है या एक मानव का जो शरीर बनता है वो 46 गुण सूत्रों से बनता है। कितने गुण सूत्रों से बनता है? 46 गुण सूत्रों से बनता है। ये माता पिता के संयोग के द्वारा ही संभव है। और आपको बताए थे वो 46 गुण सूत्र से मिल करके जो एक कोशिका बनती है उस कोशिका को ही जायगोट या संयुक्त कोष कहते हैं। ये सारी बातें जो है हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। दोस्तों, बात करें सबसे पहले माता जी का, किनकी बात कर रहे हैं? माता जी का। आपको पता होगा सखा कि माता है और एक तरफ क्या है, एक तरफ पिताजी है। तो माता जी और बात करें किनकी, पिताजी की। तो माता और पिता, आपको बताए थे कि माता और पिता जो है, माता पिता का क्या होता है दोस्त, संयोग होता है। तो माता पिता के संयोग के फलस्वरूप ही तो मानव शरीर की उत्पत्ति हो पाती है। तो माता और पिता जो है इनके, इनका क्या हुआ, संयोग हुआ। आपको वैसे पता होगा दोस्त कि माता के पास जो गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर माता के पास गुणसूत्रों की बात करें तो आपको पता होगा कि माता के पास जो गुणसूत्र होता है वो कितने होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और पिता के पास जो गुणसूत्र है वो कितना गुणसूत्र है? तो आपका जवाब होगा कि सर, माता जी के पास जो गुणसूत्र होता है वो 23 गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र होता है? 23 गुणसूत्र होता है टोटल। ये तो आपको पता है ना सखा कि माता के पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23। और पिताजी के पास भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 23 गुणसूत्र है। ये तो आपको ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में ही बता चुके थे कि माता के पास 23 गुणसूत्र और पिताजी के पास भी कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र। अब बात करें कि ये 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, इसी 23-23 गुणसूत्र में अगर देखें तो माता जी के पास जो 23 गुणसूत्र है उसमें से जो 22 गुणसूत्र होगा दोस्त वो एक कैटेगरी का होता है। यानी इस 23 गुणसूत्र में भी बात करें अगर 22 गुणसूत्र की, कितने गुणसूत्र की, 22 गुणसूत्र की, तो वो अलग टाइप के होते हैं। और पिता के पास में भी जो 23 गुणसूत्र हैं उसमें से 22 गुणसूत्र जो है वो अलग टाइप के होते हैं। तो हम लोग बात कितने कितने गुणसूत्र की कर रहे हैं फिलहाल, 22-22 गुणसूत्र को अगर देखें कि मान लीजिए पिता के पास टोटल 23 गुणसूत्र है जिनमें से 22 गुणसूत्र की हम अगर देखा जाए, मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो 22 गुणसूत्र है इसको क्या कहेंगे, और पिताजी के पास भी जो 22 गुणसूत्र है जो एक कैटेगरी का है उसको क्या बोलेंगे। इन 22-22 गुणसूत्र जो आप देख रहे हैं, ये 22 और ये 22, ये 22-22 गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, इन गुणसूत्र को बोलते हैं काम गुणसूत्र। क्या बोलते हैं दोस्त, नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं काम गुणसूत्र। यानी ये 22 और ये 22, 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से गुणसूत्र होते हैं, वो आपके होते हैं काम गुणसूत्र। क्यों कहते हैं इसको काम गुणसूत्र? देखिए दोस्तों, क्यों कहते हैं इसको काम गुणसूत्र, क्योंकि इसी गुणसूत्रों के माध्यम से बालक के जो शरीर है,
बालक के शरीर का निर्माण जो है वो इसी गुणसूत्र के द्वारा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं काम गुणसूत्र। आपसे पूछे कि काम गुणसूत्र कितना होता है, तो 22 होता है। ठीक है दोस्त, अब बात करें कि 22 गुणसूत्र तो हो गया, अभी बचा एक एक गुणसूत्र और है ना दोस्त, कि माता के पास जो 22 गुणसूत्र है इसके अलावा भी तो गुणसूत्र है, क्योंकि 23 गुणसूत्र होते हैं ना, तो 22 गुणसूत्र के अलावा अगर देखें तो अगला जो गुणसूत्र है माता के पास, एक गुणसूत्र जो बच गया वो कौन सा है, और पिता के पास भी तो एक गुणसूत्र बच गया वो कौन सा है। तो बात करें ये 22 गुणसूत्र के अलावा जो गुणसूत्र है वो कौन से गुणसूत्र है, तो मान लीजिए एक गुणसूत्र जो है और बच गया पिताजी के पास, और माताजी के पास भी एक गुणसूत्र, और इधर पिताजी के पास भी कितना गुणसूत्र, एक गुणसूत्र। तो माता के पास भी एक गुणसूत्र और पिता के पास भी एक गुणसूत्र, ये जो एक एक गुणसूत्र बच गया है सखा उसको क्या बोलते हैं, तो इस गुणसूत्र को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, इसको बोल देते हैं लिंग गुणसूत्र। ये जो एक एक गुणसूत्र है इस एक एक गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। नाम याद रहेगा ना दोस्त, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया लिंग गुणसूत्र। ठीक है दोस्त, इसको बोल दिए कौन सा गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र बोल दिए। अब देखिए जरा सा समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, आपको जो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं वो एक बार आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो 22 गुणसूत्र आप देख रहे थे, ये जो 22 गुणसूत्र है टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये जो 22 गुणसूत्र को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा दोस्त कि ये 22 गुणसूत्र मिलकर के जो है वो कहीं ना कहीं ये 22 गुणसूत्र जो है वो अगर देखिएगा तो 44 गुणसूत्र हो जाएंगे, और इससे होता क्या है, तो इससे शरीर का निर्माण हो जाएगा। ठीक इसी टाइप से जो एक एक गुणसूत्र था अगर इसी को जोड़िएगा तो एक एक दो गुणसूत्र हो जाएंगे, और ये दो गुणसूत्र से क्या होता है, लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। देखिए दोस्तों, तो आपको क्या बताने का हम प्रयास कर रहे हैं सखा, बस ये बताना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो 22 गुणसूत्र माता का और 22 गुणसूत्र पिता का, टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, टोटल गुणसूत्र हो गए 22 और 22 कितने, 44। तो आप यहां बोल सकते हैं कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं काम गुणसूत्र। काम गुणसूत्र से क्या होता है, काम गुणसूत्र से आपका हो जाएगा शरीर का निर्माण, यानी शरीर के निर्माण में जो गुणसूत्र सहायक होता है उसको बोलते हैं कौन सा गुणसूत्र, काम गुणसूत्र। ये काम गुणसूत्र का काम क्या होता है, शरीर का क्या करना, निर्माण करना। इधर बात करें एक गुणसूत्र जो माता जी का बचा और एक गुणसूत्र जो पिताजी का बचा, उस एक एक गुणसूत्र को अगर देखा जाए तो कैलकुलेट करें जोड़े तो एक और एक कितने गुणसूत्र हुए सखा, दो गुणसूत्र हुए। एक और एक कितने गुणसूत्र हुए, एक और एक जो है वो आपके दो गुणसूत्र हो गए, और ये दो गुणसूत्र जो है इसको क्या बोलते हैं, इस दोनों गुणसूत्र को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। और इस लिंग गुणसूत्र से क्या होता है, तो इस लिंग गुणसूत्र से जो है लिंग का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है सखा, लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग का निर्धारण कितने गुणसूत्र से होता है, मात्र दो गुणसूत्र से होता है। कितने गुणसूत्र से होगा दोस्त, मात्र दो गुणसूत्र जो है वो लिंग का क्या कर देता है, निर्धारण कर देता है। देखिए दोस्तों क्या बताएं, एक बार जरा ध्यान से आप लोग देख करके समझने का कोशिश कीजिए कि मानव के शरीर एवं लिंग के निर्माण में जो है वंशानुक्रम का क्या भूमिका है। तो बताएं माता के पास भी 23 गुणसूत्र, पिता के पास भी 23 गुणसूत्र, अर्थात एक मानव के जो शरीर है उसकी जो कोशिका है उसके कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या अगर देखी जाए तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46, जिसमें 22 गुणसूत्र पिता के पास, 22 गुणसूत्र माता के पास जो है उसको बोलते हैं काम गुणसूत्र। ये 22 और 22 44 गुणसूत्र हुए, जिसका काम होता है शरीर का क्या करना, निर्माण करना, अर्थात शरीर का रंग कैसा होगा, शरीर कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, ये सारा काम काम गुणसूत्र का होता है। और एक गुणसूत्र माता का, एक गुणसूत्र पिता का जो बच गया, ये एक और एक, ये दो गुणसूत्र जो होते हैं उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्रों की संख्या दो होती है, जिससे क्या होता है, बालकों के या बालिका के रूप में लिंग का क्या करते हैं, हम लोग निर्धारण करते हैं। यहां तक तो आपके समझ में आया होगा दोस्त। आइए इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम छोटा करते हुए कुछ और बात आपको जो है बताने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होइएगा। आइए अब इस बातों को जो है जरा सा छोटा करते हैं और एक नोट जो कि आपको इसी तथ्यों को जो है वो शब्दों के द्वारा अगर लिखना पड़े तो आप कैसे लिखिएगा, इन सारी बातों को जो है आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए क्या करेंगे सर। दोस्तों आपको पता होगा इसी बातों को अगर शब्दों के द्वारा लिखें तो माता व पिता की ओर से आने वाले जो 22-22 गुणसूत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, काम गुणसूत्र कहते हैं, जो हमारे शरीर के निर्माण में सहायता करता है। तथा एक एक गुणसूत्र जो होता है उसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, जो हमारे लिंग के निर्माण में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो आइए इसी बातों को हम लोग जो है अपने नोट डाउन में नोट कर लेते हैं। क्या नोट करना है दोस्त, कि माता व पिता की ओर से, किनके ओर से दोस्त, माता व पिता की ओर से जो आने वाले गुणसूत्र हैं। देखिए दोस्तों माता व पिता माता व पिता की ओर से, माता व पिता की ओर से आने वाले 22-22 गुणसूत्र, कितना गुणसूत्र, 22-22 गुणसूत्र काम गुणसूत्र कहलाते हैं, काम गुणसूत्र कहलाते हैं, जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है एवं एक एक गुणसूत्र, एक एक आप इसको ऐसे समझिए दोस्त, इस जैसे एक एक गुणसूत्र, अर्थात ये जो दो गुणसूत्र हैं इसको क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन सा गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, लिंग गुणसूत्र हैं या लिंग गुणसूत्र होते हैं जिससे लिंग का निर्धारण होता है, जिससे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। दोस्तों क्या बताएं कि माता और पिता के तरफ से आने वाले जो 22-22 गुणसूत्र हैं उससे तो क्या होगा, उससे आपके शरीर का निर्माण होगा। शरीर किस तरह का होगा, कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, ये सारा बात जो है वो आपका 44 गुणसूत्र तय कर देगा। और इसके अलावा मान लीजिए लिंग क्या होगा, अर्थात जन्म लेने वाला जो संतान है वो बालक होगा कि बालिका होगा, ये एक एक गुणसूत्र अर्थात दो गुणसूत्र जिसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं वो निर्धारित कर देता है कि बच्चा जो है वो लड़का जन्म लेगा या लड़की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं कि क्या कंडीशंस हैं जब बालक का जन्म होता है और क्या कंडीशन है जिसमें एक बालिका का जन्म होता है। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए आगे की चर्चा करते हैं और आगे की चर्चा में हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि बालक बालिका के रूप में निर्धारण जो होता है वो कैसे होता है, यानी क्या कंडीशंस आता है जब एक बालक का जन्म हो जाता है और कौन से कंडीशन होने पर एक बालिका का जन्म होता है। तो बालक और बालिका के रूप में निर्धारण की अगर बात करें, एक बालक कब जन्म लेगा और एक बालिका कब जन्म लेगी, आइए इन बातों को समझने का कोशिश करते हैं। तो बालक एवं बालिका के रूप में, बालक एवं बालिका के रूप में, बालक एवं बालिका के रूप में निर्धारण, यानी बालक और बालिका के रूप में जो है किसी भी बच्चे का निर्धारण जो है वो कैसे हो पाता है, ये कैसे तय हो पाता है कि जन्म लेने वाला जो है वो बालक जन्म लेगा, और किस कंडीशन हो, कौन सा कंडीशन आता है जिसमें जन्म लेने वाला संतान जो है वो बालिका के रूप में जन्म लेता है।
दोस्तों आपको हर बात क्लियर होगा, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आपको पता है दोस्त कि एक तरफ तो अपनी माताजी हैं और दूसरे तरफ मान लेते हैं कौन है, दूसरे तरफ मान लीजिए पिताजी। तो माताजी हैं और कौन है, पिताजी हैं। आपको बता दे दोस्त, अभी हम लोग जो है कुछ देर पहले ही जिक्र किए, क्या जिक्र किए कि माता के पास भी जो है वो कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आप लोग बताएं सर 23 गुणसूत्र होते हैं और पिताजी के पास भी कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करें गुणसूत्रों के नाम की कि माता जी के पास जो गुणसूत्र होता है, दोस्तों माता जी के पास जो गुणसूत्र है वो कौन सा गुणसूत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि माता के पास कौन सा गुणसूत्र होता है और पिताजी के पास जो है वो कौन सा गुणसूत्र होता है। दोस्तों आप सभी को भली भांति प्रकार आइडिया होगा, पता होगा कि माता के पास जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है। तो आप कहिएगा सर माता जी के पास जो गुणसूत्र होता है वो तो एक्स एक्स होता है, पर बात करें पिताजी की तो पिताजी के पास जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है। ये तो आपको पता है ना दोस्त कि माता जी के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन सा होते हैं, माता जी के पास गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, ठीक है दोस्त। और पिताजी के पास जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है, पिताजी के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। ये तो आपको पता होगा दोस्त, बोलिए पता है कि नहीं पता है, या आप पहली बार सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारी बातें आप भली भांति जो है पहले से ही जानते होंगे कि माता के पास एक्स एक्स और पिता के पास एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अब दोस्तों हुआ क्या कि माता पिता का संयोग हुआ, क्या हुआ, माता पिता का जब संयोग हुआ और माता पिता के संयोग से मान लीजिए कि पहला जो गुणसूत्र माता के तरफ से आया वो मान लीजिए क्या आया, एक्स आया। माता की तरफ से क्या आया दोस्त, मान लीजिए कल्पना कीजिए कि एक्स आया और पिताजी के तरफ से जो गुणसूत्र आया वो भी यहाँ मान लेते हैं हम लोग क्या आया, एक्स ही आया। यानी माताजी के तरफ से भी एक्स आया और पिताजी के तरफ से भी क्या आया, एक्स आया। तो मान लीजिए माताजी के तरफ से क्या आ गया, माताजी के तरफ से हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ कल्पना कर लिए कि चलिए एक्स गुणसूत्र आया है, कौन सा गुणसूत्र आया, एक्स गुणसूत्र आया। और इधर पिताजी के तरफ से जो है वो कौन सा गुणसूत्र आया, एक्स गुणसूत्र ही आया। तो बताइए एक्स गुणसूत्र माता जी के तरफ से, एक्स गुणसूत्र पिताजी के तरफ से, तो जो रिजल्ट वापस से आएगा आप इसको ऐसे समझिए दोस्त, ये जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या आएगा। तो आप भली बात ही समझ पा रहे होइएगा कि एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं होगा दोस्त, बिल्कुल होगा। और यहाँ मान लीजिए हम लोग कल्पना ये कर रहे हैं कि मान लीजिए माता पिता का संयोग हुआ, संयोग में मान लीजिए माता जी के तरफ से कोई भी गुणसूत्र आएगा तो एक्स ही आएगा, क्योंकि माता जी के पास तो एक्स ही है, लेकिन पिताजी के तरफ से मान लीजिए यहाँ क्या आ गया, एक्स न आकर के क्या आया दोस्त, वाई आया। क्या आया, वाई आया। तो आप इसको ऐसे देखिए दोस्त कि मान लीजिए माता जी के तरफ से जो आई वो तो एक्स ही आएंगी, लेकिन पिताजी के तरफ से क्या आया, वाई आया। तो ऐसे स्थिति में जो कंडीशंस बनेंगे वो किसका बनेंगे, तो यहाँ पे असर एक्स प्लस वाई यानी एक्स वाई बनेगा, सिंपल एक्स वाई बनेगा। दोस्त जब एक्स एक्स आएगा तो स्वाभाविक है कि जो बालक जन्म लेगा, जो बच्चे का जन्म होगा, वो बच्चा बालक न हो करके क्या जन्म लेगी, बालिका जन्म लेगी। क्या जन्म लेगी सखा, वो जो बच्चा है वो बालिका के रूप में जन्म लेगी, कब, जब एक्स एक्स रिजल्ट आएगा तब। और जब एक्स वाई आया तो स्वाभाविक सा बात है कि वो जो संतान है वो बालिका न हो करके क्या जन्म लेंगी, बालक जन्म। तो बालिका का जन्म कब होगा और बालक का जन्म कब होगा, ये सारी कहानी मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा दोस्त। कि देखिए सारा खेल जो है वो बस दो गुणसूत्र, जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, उसी का है।
क्योंकि माता के पास जो लिंग गुणसूत्र है वो एक्स एक्स है, पिता के पास एक्स वाई है, और मान लीजिए माता पिता के संयोग के परिणाम स्वरूप माता के तरफ से तो एक्स ही जाएगा, एक्स आया पिताजी के तरफ से भी एक्स आ गया, तो एक्स और एक्स यानी एक्स एक्स, जब एक्स एक्स आएगा तो किसका जन्म होगा, वो बालिका का जन्म होगा, और माता के तरफ से एक्स और पिता के तरफ से अगर वाई आ गया तो एक्स वाई आया, और जब एक्स वाई आएगा तो जो बच्चा जन्म लिया वो बालक के रूप में जन्म लेगा। इतना तक आपके समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए दोस्त। मेरे ख्याल से इतना तक तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ और इसी में जो है वो आपको बताते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आपको बता दें, एक्स गुण सूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, सदैव लंबे होते हैं। एक्स गुण सूत्र कैसे होते हैं, सदैव लंबे होते हैं, और वाई गुण सूत्र जो होते हैं वो लंबे और बौने जो है, सॉरी एक्स गुण सूत्र वो तो सदैव लंबे ही होते हैं, और वाई गुण सूत्र जो होते हैं वो बौने भी होते हैं और गोल भी होते हैं। आइए यहीं पर आपको नोट में लिखवा देते हैं दोस्त। नोट क्या है कि एक्स गुण सूत्र जो है वो क्या होते हैं, सदैव लंबे होते हैं। आइए एक मिनट दोस्त, इसको एक बार हटाते हैं और फिर से एक जो है बॉक्स लेते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त क्या बताना चाह रहे हैं आप, एक्स गुण सूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको बताएं एक्स गुण सूत्र सदैव क्या होते हैं, एक्स गुण सूत्र सदैव लंबे होते हैं। क्या होते हैं, सदैव लंबे। एक्स गुण सूत्र सदैव लंबे होते हैं, याद रहेगा दोस्त। एक्स गुण सूत्र किस तरह का होता है, लंबा होता है कि बौना होता है, लंबा होता है। और बात करें वाई गुण सूत्र का, तो वाई गुण सूत्र जो है वो कैसे होते हैं, तो बौने होते हैं, और जो बौने होंगे वो कैसे होते हैं, तो बौने होंगे तो गोल भी होंगे, मतलब वाई गुण सूत्र बौने एवं कैसे होते हैं, गोल होते हैं। याद रहेगा दोस्त, एक्स गुण सूत्र जो है वो हमेशा लंबे होंगे, और वाई गुण सूत्र जो है बौने एवं गोल होते हैं। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए दोस्त। जरा यहीं पर हम आपसे पूछ लेते हैं सखा, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि मान लीजिए कोई बालक या किसी संतान का जन्म हुआ। पहली टाइप का इस क्वेश्चन को आप समझिए कि दुगो लंबा गुण सूत्र हो गया। क्या हो गया दोस्त, जरा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दो लंबे गुणसूत्र है अगर मान लीजिए, तो दो लंबे गुणसूत्र है तो बताइए किसका जन्म होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दो लंबे गुणसूत्र है तो किसका जन्म होगा, और मान लीजिए एक लंबे है, क्या है दोस्त, एक लंबे है और एवं एक बौने है, एक लंबे एवं एक बौने गुणसूत्र अगर आ गया तब किसका जन्म होगा, हम क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं। दो क्वेश्चन है दोस्त, एक क्वेश्चन तो आपके सामने ये रहा कि मान लीजिए दो लंबा गुणसूत्र है तो किसका जन्म होगा, और एक लंबा और एक बौना गुणसूत्र है तो किसका जन्म होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, वेरी गुड, दो लंबे गुणसूत्र है, लंबे गुणसूत्र एक्स होते हैं, दो लंबे हैं मतलब दो एक्स है, तो बताइए दो एक्स गुणसूत्र में किसका जन्म होगा, बालिका का जन्म होगा, यानी दो लंबे गुणसूत्र है तो बालिका का जन्म हो गया। और बोल रहे हैं दोस्त दूसरा क्वेश्चन कि एक लंबे एवं एक बौने, एक लंबा, लंबा बोले तो एक्स, और बौना, बौना बोले तो वाई, एक्स और वाई रहेगा तो किसका जन्म होगा, दोस्त बालक का जन्म होगा, यानी एक लंबा और एक बौना गुणसूत्र है मतलब जन्म जो होगा वो किसका होगा, बालक का होगा। बताइए यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं आया, आप तो बस इतना कमेंट करके बताइए दोस्त कि यहां तक की जो कहानी है वो आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दोस्त आप भूल ही नहीं पाएंगे, इतने रोचक तरीका से आपके सामने विषय वस्तु को हम प्रस्तुत कर रहे हैं।
यहाँ तक की कहानी क्लियर है। आइए अब इन सारे बातों को हम लोग जो है वाक्यों के द्वारा लिखने का प्रयास करते हैं कि जब माता एवं पिता के संयोग से हमारे जीवन की शुरुआत होती है तब दोनों की ओर से आने वाला जो एक्स एक्स गुण सूत्र होता है वो बालिका एवं एक्स और वाई गुण सूत्र जो है वो बालक के रूप में क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। इन सारी बातों को आपके सामने जो है प्रस्तुत कर देते हैं लिख करके, ताकि आप को जो है वो नोट्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। क्या बताएं दोस्त कि जब माता एवं पिता के संयोग से हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो क्या होता है, आइए देखते हैं उन सारी बातों को। क्या कहें दोस्त कि जब माता पिता के संयोग से हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो एक्स एक्स गुणसूत्र बालिका एवं एक्स वाई गुणसूत्र बालक के रूप में लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्त, क्या बताएं कि जब माता पिता के संयोग से मानव जीवन की शुरुआत होती है और उसके परिणाम स्वरूप अगर एक्स एक्स गुणसूत्र का संयोग हुआ तो वैसे स्थिति में तो बालिका का जन्म होगा, और अगर एक्स वाई गुणसूत्र का संयोग हुआ तो वैसे स्थिति में लिंग के रूप में जो है वो बालक का जन्म होगा। दोस्तों ये सारा खेल जो है बस दो गुणसूत्र का है, जिस गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, काम गुणसूत्र से इसका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि काम गुणसूत्र तो मानव शरीर के निर्माण में मदद करती है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मानव जो है उसके लिंग के निर्माण में जो है वो किस तरह का जो है कंडीशंस जो है वो देखने को मिलता है। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आइए अब जो है सो हम लोग थोड़ा सा आगे की जो है चर्चा करते हैं। आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले लीजिएगा। चलिए आगे की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि वंश क्रम का और जो है अन्य किन किन क्षेत्रों में जो है उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों और अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले जो है वो आप यहाँ देखिए, हमारे मानसिकता के निर्माण में भी वंश क्रम की भूमिका होती है। दूसरा कि मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में भी हमारे वंश क्रम की भूमिका होती है कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह का रहेगा। शरीर की संरचना में, रंग में, रूप में, कद में, काठी में, आपके माता पिता आपके पूर्वज जिस तरह के होंगे आपका रंग रूप कद काठी भी उस तरह का देखने को मिलता है। दूसरा कि बच्चा जो है व्यक्ति का कार्य किस तरह का रहेगा, व्यवहार किस तरह का करेगा, व्यवसाय में किस तरह की भूमिका होगी, इस सब में जो है वंश क्रम का भूमिका देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है वैचारिक, संवेगात्मक, नैतिकता, अभिवृत्ति, इन सब के निर्माण में भी वंश क्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों इसी के साथ जो आपके वंश क्रम का जो है क्या क्या प्रभाव था, क्या क्या भूमिका थी, ये सारी बातें आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है एक बालक के विकास में, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों आज का जो मोटिवेशनल कोटेज है वो क्या है, दोस्तों पूरी दुनिया जीत सकते हैं किससे, संस्कार से। अगर आपका संस्कार अच्छा होगा तो आप पूरे दुनिया को जीत सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से,
पूरे दुनिया को आप किससे जीत सकते हैं? संस्कार से। अर्थात आपके संस्कार अच्छे होंगे तो पूरा दुनिया आपका गुलाम हो जाएगा, पूरे दुनिया को आप जीत जाइएगा। अगर संस्कार आपका अच्छा नहीं हुआ, आपके अंदर अहंकार आ गया, तो जो आप जीते हैं वो भी आपसे छीना जाएगा। इसीलिए कहते हैं पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से, जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।